हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और आपका टंगी किचन में स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे ब्रेड से एक अलग ही नाश्ता जो बच्चों से लेकर बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। आप इस नाश्ते को घर पे जरूर ट्राई कीजिए। आप इस नाश्ते को बच्चों को टिफिन बॉक्स में या फिर शाम को बहुत जोर से भूख लगी हो तो चाय के साथ नाश्ते में भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो नीचे दिए गए बटन के ऊपर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बॉईल किए हुए आलू मैंने मीडियम साइज के लिए हुए हैं। आलू को मैंने छील के फिर स्मैश करके लिया हुआ है। थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा चीज़ को मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है। 8 ब्रेड की स्लाइस, 2 बड़ा चम्मच कॉर्न को मैंने बॉईल करके लिया हुआ है। अगर आप चाहे तो फ्रोजन कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हंकड़ मैंने यहाँ पे 3/4 कप दही को मैंने कपड़े में बांध के फिर उसका पानी निकाल के ठीक करके हंकड़ लिया हुआ है। 2 बड़ा चम्मच ककुम्बर को मैंने काट के लिया हुआ है। खीरा, 1 छोटा टमाटर को भी मैंने काट के लिया हुआ है। 1 छोटा प्याज को भी मैंने काट के लिया हुआ है। थोड़ा सा टोमेटो केचप, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, जीरा को मैंने भून के फिर उसका पाउडर करके लिया हुआ है। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 हरी मिर्च को मैंने काट के लिया हुआ है और मैंने फीकी हरी मिर्च इस्तेमाल की है। अगर आपके बच्चे पसंद ना करे तो आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए। 1/4 छोटा चम्मच शक्कर, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने, मूंगफली को मैंने रोस्ट करके फिर लिया हुआ है। तो आइए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। आइए नाश्ते के लिए सबसे पहले हम उसका स्टफिंग और हंकड़ डिप बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए स्मैश किए हुए आलू में हम खीरा डालेंगे, कॉर्न, टमाटर, प्याज, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने तीखा लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, हरी मिर्च, चाट मसाला, सिके हुए मूंगफली के दाने जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा क्रंची आता है, स्वाद अनुसार नमक, और सबको हम अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए स्टफिंग बनके तैयार है। आइए अब हम हंकड़ डिप बना के तैयार करेंगे। हंकड़ डिप बनाने के लिए हम हंकड़ में 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे, थोड़ा सा स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, शक्कर और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। देखिए डिप बन के तैयार है। मैंने सारी ब्रेड की स्लाइस के कॉर्नर काट के तैयार किया हुआ है। मैंने ब्रेड की स्लाइस के कॉर्नर काट के फिर इसे बीच में 2 पार्ट करके फिर लिया हुआ है। आइए अब हम बटर को लगाएंगे। और हमने तैयार किया हुआ हंकड़ डिप लगाएंगे। अगर आप चाहे तो हरी चटनी, शेजवान सॉस, चीज स्प्रेड या फिर मेयोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तैयार किया हुआ हम आलू का मसाला डालेंगे। आलू का मसाला आप अच्छी तरह से लगाएं क्योंकि ज़्यादा आलू का मसाला डालने से बहुत ही टेस्टी बन जाती है ये, और इसे अच्छी तरह से फैला दें। और अब दूसरी ब्रेड की स्लाइस के ऊपर भी हम बटर लगाएंगे और वापस हंकड़ डिप लगा के रेडी करेंगे। और अब तैयार की हुई स्लाइस को हम स्टफिंग वाली ब्रेड की स्लाइस के ऊपर ऐसे बंद करके कवर करेंगे और इसे अब हम तवे के ऊपर सेकने के लिए रख देंगे। और ऐसे हम सारे ब्रेड की स्लाइस को स्टफ करके तैयार करेंगे। सारे ब्रेड की स्लाइस है वो स्टफिंग करके तैयार है। आइए अब इसे हम तवे पर सेकेंगे। तवे पर सेकने के लिए मैंने तवे को गैस के ऊपर रख दिया है और गैस का फ्लेम हाई फ्लेम पे ऑन किया है। अब हम बटर को ब्रेड के ऊपर लगा के इसे ग्रीस करेंगे। ऐसे हम सारे ब्रेड को ग्रीस करके तैयार करेंगे।
देखिए सारे ब्रेड है वो स्टफिंग होके तैयार है। आइए अब थोड़ा सा हम चीज इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। चीज है वो बच्चों और बड़ों का ऑल टाइम फेवरेट रहता है, तो चीज डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और थोड़ा सा चाट मसाला हम स्प्रिंकल करेंगे। अब ब्रेड को हम कवर कर देंगे और इसे तवे पे सेकने के लिए रख देंगे। तवा गरम हो गया है और सारे ब्रेड के स्लाइस को मैंने सेकने के लिए तवे पे रख दिया है। अब हम ऊपर की साइड से भी बटर लगा के इसे ग्रीस करेंगे। आइए ब्रेड को हम चेक कर लेते हैं। देखिए ब्रेड की स्लाइस है वो अच्छी गोल्डन सी के तैयार हुई है। सारी ब्रेड की स्लाइस को हम पलटा देंगे। सारी स्लाइस को मैंने पलटा दिया है और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। सब्जियां आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें कैप्सिकम, गाजर और कैबेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दूसरी साइड से भी हम ब्रेड को चेक कर लेंगे। देखिए दूसरी साइड से भी ये गोल्डन सीके तैयार है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। नाश्ते को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझसे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। गर्मा गर्म नाश्ता बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।